जी, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम जाने लगे हैं मोक्षा रिजॉर्ट्स, जिसके लिए हमें लेनी है एक टिम्बर ट्रेल। तो हम जा रहे हैं अपने टिम्बर ट्रेल के स्टेशन की तरफ। तब तक आप फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉमेंट तो हम कर ही लेंगे बाद में, है ना। टिम्बर ट्रेल से आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पे 8 मिनट में। मैंने टाइम नोट किया था। वैसे ये रोड भी जाती है, ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, पर क्यों 1.5-2 घंटे लगाने। हाँ जी, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग करने के लिए यूज़ होती है गोल्फ कार्ट्स। तो हम अपनी गोल्फ कार्ट लेके जा रहे हैं रिसेप्शन पे कीज़ कलेक्ट करने, और उसके बाद जाएंगे अपने रूम में। See you in the room. भाई, जिनका रिसेप्शन इतना सुंदर है, मैं सोच रही हूँ रूम कितना अच्छा होगा, है ना। वेलकम टू हमारे 2 दिन का होम। तो यहाँ पे सबसे पहले है एक सोफा कम बेड, जिसको जोड़ के आप बेड बना के आराम से सो सकते हो, विच इज़ कूल। एंड अब है हमारा कमरा। यार, होटल की ना बेस्ट बात लगती है, इतनी लाइटें शाइटें लगा के चमका देते हैं ना कमरे को, कि अलग से ही सुंदर नज़र आता है। देखिए इनका बाथरूम कैसा है, तेरा भला हो जाए। आई डोंट नो आप लोगों को ठीक से दिख रहा है या नहीं, बट आई स्वेयर यहाँ पे डबल बेड लग सकता है, ये इतना बड़ा है। कबड़ शबड़ भी बनाई हुई है बाथरूम में इन्होंने, मेरे को लगता है पहले कमरा ही होएगा ये। ओए होए, ये सब चीज़ें भी दी हैं इन्होंने, फैंसी शैंसी हो रहा है मामला। एक और कबड है यहाँ पे, देखें इसमें कुछ पड़ा है कि नहीं, तो खाली है। पर आपने देखा इसमें बड़ी एक सही चीज़ है, देखो इन्होंने कबड में एक लाइट लगाई है, जो आप कबड बंद करोगे तो बंद हो जाएगी। टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे है एक बड़ा फैंसी सा बाथटब विद माउंटेन व्यू, नाइस। ये बहुत ही थकी हारी सी मैं। चलते हैं बाहर रूम की तरफ और देखते हैं कि बालकनी कैसी दिखती है। आजो आजो आजो। अब मेरी माता श्री ज़रा बालकनी के ये पर्दे हटा दें प्लीज़। ओके, चेयर शेयर्स लगी हुई हैं, आराम से धूप में बैठ के चाय पी जा सकती है। बालकनीज अमेजिंग, मतलब बड़ा ही सही व्यू है यहाँ का। और किसी भी कमरे के सामने ना कोई और रूम नहीं है, हर रूम के सामने आपको प्रॉपर माउंटेन का व्यू दिखता है। अब मैं बहुत थकी हुई थी, बाहर जाने की तो हिम्मत थी नहीं, तो मैंने सोचा कि ज़रा ये मैप वैप ही देख लें। देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, स्विमिंग पूल है, स्पा है यहाँ पर बहुत बड़ा, बॉनफायर है, बैंकेट हॉल है, क्रिकेट ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड है, क्या नहीं है यहाँ पे यार, सब कुछ है, पूरा इन्होंने अपना गांव बसाया हुआ अंदर। गुड मॉर्निंग। बड़ा थक गए थे रात को यार, तो सो गए उसके बाद। अब हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, ब्रेकफास्ट करने। गोल्फ कार्ट आ रही है, तब तक मैं आपको यहाँ की स्काईलाइन दिखाती हूँ। ओए हो, क्या स्काईलाइन है यार। तो
ब्रेकफास्ट में बेसिकली यहाँ पे सब कुछ था, जो भी आप खाने की सोच सकते हो सब कुछ था। तो मैंने थोड़ा अंग्रेज़ों वाला ब्रेकफास्ट लिया, ये फ्रूट्स और इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं बोल नहीं पाती, और सोय मिल्क। मैंने सोचा कि थोड़ा फैंसी खा के देखते हैं, पर अपना पेट भरता है, मतलब सीरियसली हम पंजाबी लोग हैं, हमें खाना चाहिए ढंग का। ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं, आपको थोड़ी होटल की सैर कराते हैं और मेरे गंदे कैमरा क्वालिटी से मिलाते हैं। कैमरा क्वालिटी क्या, फ़ोन की क्वालिटी निहायत ही घटिया, बेइज्जती कराता जगह जगह जाके मेरा फ़ोन मेरी। ओके, तो ये है हमारा बार, हमारा नहीं होटल वालों का बार। जिसको भी दारू पीने का शौक है वो यहाँ आ सकता है। ये सारा का सारा सिटिंग एरिया है, बाहर बहुत जगह है बैठने की अगर अंदर बैठने का मूड ना हो तो। ये जगह स्पेसिफिकली बॉनफायर के लिए, जो रात को कितनी प्यारी लगती है यार, दुनिया तो कुछ भी नहीं लग रही रात को जितनी सुंदर लगती है। और यहाँ से बैठ के दिखता है आपको द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। इसके बाद आए हम इनका स्पा और इन्फिनिटी पूल देखने, जिसके लिए बेसिकली मोक्षा रिजॉर्ट फेमस है। और मेरी किस्मत देखो, कोविड के कारण ये अंडर रिपेयर था, तो सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। असली में ये कुछ ऐसा दिखता है। प्लीज़ 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 जब भी आप जाओ ये पता कर लेना है सब कुछ खुला हो, बिकॉज आप पे कर रहे हो इतना, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना तो बनता है। अब लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इनका इंटीरियर। मतलब भाई साहब, इन्होंने इतनी अलग अलग टाइप की चीज़ें रखी हुई थी ना अपने होटल में, ये एक वर्ल्ड मैप है। इसके नीचे जो चेयर्स पड़ी हैं ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक वुड से काट के बनाई हूँ, मतलब बहुत ही सुंदर। फिर हम गए थे इनके टेरेस बार पे, बहुत सारे टेरेस हैं यहाँ पे, तो इस टेरेस बार पे इन्होंने केन की चेयर्स एंड टेबल्स रखे हुए थे। मतलब इनको ज़रा देखो, कौन नहीं चाहता कि उनके घर में भी ऐसे चेयर हो। मतलब मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ कि मेरा भी एक टेरेस हो जिस पर मैं ये सब सजाऊँ। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। और यहाँ से भी हमारा चंडीगढ़ शहर नज़र आता है एकदम साफ साफ। एंजॉय। नाइट स्काई लाइन के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दो। इसको लेके अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक तो करना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। टाटा।